नमस्कार साथियों साथियों, जो कल दुष्यंत चौटाला ने बयान दिए हैं वो बहुत ही निंदनीय बयान है। दुष्यंत चौटाला ये बात कह रहा है कि मंडियां नहीं टूटने दूंगा, और मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के 4 जिले ऐसे हैं यहां मंडियां बिल्कुल टूट चुकी है। वो अगर चाहते हैं हम उनको दिखा भी सकते हैं कि कौन कौन से जो जिले हैं यहां मंडियां टूटी हैं। इन्होंने अंबानी अडानी के साइलोज, उनके साइलोज में किसानों की कनक गई है। मंडियां टूटने के बाद उनके साइलों में किसानों की कनक गई है, और एक दुष्यंत चौटाला जी बयान दे रहे हैं कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं है, ये तो राजनीतिक लोगों का आंदोलन है। तो मैं दुष्यंत चौटाला को ये बात कहना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी, ये आंदोलन बिल्कुल पवित्र आंदोलन है, इसमें किसी भी तरह की किसी को किंतु परंतु हम नहीं करने देंगे। आपको पता है आपका जो गृह क्षेत्र है सिरसा, 6 अक्टूबर से आपके गृह क्षेत्र को हमने घेर कर रखा है, और 6 जुलाई को पूरे 9 महीने हो जाएंगे आपके गृह क्षेत्र को। आपको तो अपने गृह क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो आप अपनी ये भद्दर जो भाषा है किसानों के प्रति बंद कीजिए। आप चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, और जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता था, आप तो उनको कलंकित कर रहे हो। किसानों के प्रति कभी भी आपने बात नहीं की, और आप कहते हो हम किसान पुत्र हैं। आप तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हो, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, दुष्यंत चौटाला जी, किसानों पर ऐसी भद्दर भाषा प्रयोग ना करें। ये आंदोलन किसानों का है और बिल्कुल पाक पवित्र आंदोलन है ये हमारा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP खरीद गारंटी नहीं होगी, हम किसान भाई, मजदूर भाई, छात्र भाई और व्यापारी भाई तब तक घर वापस नहीं आएंगे। जो हमारे 450 किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को हम जाया नहीं जाने देंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप अपनी ये कुर्सी का लोभ लालच छोड़कर किसानों में आ जाइए। अगर थोड़ी सी भी आपको शर्म है ना, तो आप किसानों में आ जाइए। तो मैं इतनी ही बात आपको कहूंगा, जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।